नमस्कार स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आरएचएस की फैकल्टीज़ के बारे में, यानी कि जो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, ये कौन कौन सी फैकल्टी प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट को, यानी कि ये कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, ताकि आपको मालूम लग सके और आप उसको अच्छे से ज्वाइन कर सको, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, गलत फहमी में फंस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को करवा रही है और वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है और उसके लिए आप में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी हम बात करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ, सारे मेडिकल कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, मेडिकल, है ना, उन सभी की बात हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास कोर्स मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ये करवाते हैं यूनिवर्सिटी। नर्सिंग के अंतर्गत हम सबसे पहले देख लेते हैं, तो इसमें करवाते हैं बी एस नर्सिंग और पोस्ट बी एस सी नर्सिंग, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है ना। और जो एम एस नर्सिंग के अंतर्गत ये करवाती है मेडिकल सर्जिकल, ऑबस्ट्रिक्ट गायनोकोलॉजी और चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग, यानी कि पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एम एस नर्सिंग में ये सारे कोर्स करवाती है, जो कि 5 है, ठीक है ना। इसका स्ट्रीम एरिया है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नर्सिंग फील्ड में। सो स्टूडेंट इसके अलावा ये कोई भी कोर्सेज नहीं करवाती है, जैसे कि जे एन एम और ए एन एम, ये आर यू एच एस नहीं करवाती है। ये ओनली अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत बी एस सी नर्सिंग और पोस्ट बी एस सी नर्सिंग ही करवाती है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। ये हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली है। अब हम देख लेते हैं पैरामेडिकल के बारे में कि पैरामेडिकल में कौन कौन से स्ट्रीम एरिया है, कौन कौन से कोर्सेज ये करवाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो स्टूडेंट जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर पैरामेडिकल के बारे में हम जानेंगे, इसके बाद हम फार्मेसी और उधर की बात हम करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है पीजी, यूजी, ये सारे जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है ये सभी ये करवाती है। और डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करवाती है। ये इतने सारे कोर्सेज करवाती है तभी तो इसके जो फॉर्म है वो लेट आते हैं, और कभी कभी जैसे कि पीसर पेंट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये तो कारण है, इतने सारे इसको संभालने पड़ते हैं। कोई एक दो कोर्स करवा रहे तो फटाफट से ऑप्शन आ जाए, तो इसलिए ये लेट हो जाती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, इसको संभालना पड़ता है। और एक ही ये हमारी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, सभी यही करवाते हैं स्टूडेंट। आप एमबीबीएस को लेकर, बीडीएस को लेकर, सारे जो इसमें ना ये सभी यही करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट पैरामेडिकल में, तो यहाँ पर एमएससी में रेडिएशन, हम पहले अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा में क्या करवाती है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। बैचलर डिग्री की बात करें तो बैचलर ऑफ ऑडियो स्पीच, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक, ये स्ट्रीम एरिया है इसका बैचलर डिग्री का, ठीक है ना। ये पैरामेडिकल के कोर्सेज हो गए, यही कोर्सेज ये करवाती है। अगर कोई भी उधर इंफॉर्मेशन आती है तो आप समझ जाना, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज ये करवाती है। पीजी डिप्लोमा में आप देख लो डिप्लोमा इन प्रोफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एमएससी में आप देख लो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये जितने भी मेडिकल के कोर्सेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कोई भी कर रहे हो समझो सही ट्रैक पर चल रहे हो आप, ठीक है ना। कोई भी कोर्सेज हो गया, मेडिकल का, डेंटल का, नर्सिंग का, फार्मेसी का, पैरामेडिकल का, फिजियोथेरेपी का, बहुत अच्छा है स्टूडेंट। फार्मेसी में देख लो आप, इसमें भी स्कोप बहुत अच्छा है, नर्सिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप अच्छा है, डेंटल में देख लो, पैरामेडिकल में देख लो, इसको भी स्कोप है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं अब फार्मेसी की। तो फार्मेसी में अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको आप डी फार्मेसी बोलते हो ना, वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आर एच एस करवाती है। एम फार्मा में आप देख लो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, क्वालिटी जो इंस्ट्रक्शन फार्मेसी यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये सब कोर्सेज जो है 6 स्ट्रीम एरिया एम फार्मेसी का।
ये आरएचएस करवाती है। सो स्टूडेंट, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो क्वालिटी इंश्योरेंस। और यहाँ पर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजी, बहुत अच्छा स्कोप है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेडिकल का फील्ड जितना भी डेवलपमेंट होता जा रहा है, इतना कोई हो नहीं रहा है। स्टूडेंट, आप अगर नर्सिंग कर रहे हो, फार्मेसी में हो, पैरामेडिकल में हो, तो समझो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि इनका स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नए नए डिजीज़, नए नए मेडिसिन, और उसका जो आपको पता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का होने जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मेडिकल का स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मेडिकल में देख लेते हैं हम, जो कि मेडिकल प्रोफेशन होता है, जिसके MBBS, BDS, इनमें क्या है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि स्पेशल आप जानते होंगे MD, MS। MS तो सर्जन होता है, MD जो बीमारी को ट्रीटमेंट करते हैं, वो डॉक्टर होते हैं ना, वो MD किए हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे MCH में देख लो, DM में देख लो, DM कार्डियोलॉजी, DM गैस्ट्रोनोलॉजी, DM न्यूरोलॉजी, यानी कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड RHS कोर्स करवाती है DM। आप DM किसके अंतर्गत करना चाहते हो, कार्डियोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, एंड्रोनोलॉजी में, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये MBBS के बाद की बात है, पहले नीट के थ्रू MBBS में एडमिशन लेना होता है, उसी के बाद ये कोर्सेज आप कर सकते हो। PG डिप्लोमा में देख लो, DA, DPH, DIHBT, DFM, इनके फुल फॉर्म अगर आप डिमांड करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। MSc में आप देख लो, मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये MSc स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। MS मास्टर ऑफ सर्जन आप किसी के भी बन सकते हो, जैसे कि इसके लिए नीट PG होता है स्टूडेंट, उसमें जो मार्किंग आती है उसी के हिसाब से इसमें एडमिशन होता है। इन कोर्सेज में अच्छे नंबर आए तो MD में, MS में, इनमें एडमिशन हो जाता है। एनाटॉमी, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेको, MD में देख लो आप, स्किन VD होते हैं ना, स्किन वाले, कोई भी डिजीज होगी तो आप स्किन से रिलेटेड होगी तो स्किन वाले के पास जाओगे तो क्या हुआ था, MD क्या हुआ था। MD किसी से भी कर सकते हो, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, पैथोलॉजी से, फार्माकोलॉजी से, है ना, फॉरेंसिक मेडिसिन से, किसी से भी आप कर सकते हो। जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक, बहुत सारे MD, ठीक है ना। स्टूडेंट, ये आपकी नॉलेज के लिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इंक्रीज लर्निंग, इंक्रीज अर्निंग, आप जानती हो। अब यहाँ पर फार्मेसी में हमने देख लिया था, नर्सिंग में हमने देख लिया था, और इसके बाद नर्सिंग के तरह देख लिया था, पैरामेडिकल में देख लिया था। अब डेंटल की बात करें तो डेंटल में तो आपको पता ही है स्टूडेंट, डेंटल में जो बेसिक होता है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, तो इसके लिए तो नेट में अगर आपके कम मार्क्स आए तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और जिसका हाइस्ट आए वो तो MBBS में जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो BDS और MDS है, मास्टर डिग्री MDS, जिसके अंतर्गत ये 9 स्ट्रीम दिया हुआ है, स्ट्रीम एरिया, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ओरल मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी, ठीक है ना। और लास्ट में हम फिजियोथेरेपी के बारे में देख लेते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT, इससे कौन कर सकता है, 12th स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट इसको कर सकता है। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और आप नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है BPT BOT कोर्स। सो स्टूडेंट, ये जो कोर्स है फिजियोथेरेपी में, ये डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट।